नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जिंदगी का लंबा अरसा शासकीय सेवा में गुजारने के बाद अब रिटायर होने पर बुढ़ापा मुफलिसी में कट रहा है। शासन द्वारा पेंशन के नाम पर 200 से 300 रुपए की मामूली रकम दी जाती है, ऐसे में गुजारा कैसे होगा? कम पेंशन मिलने की इसी समस्या को लेकर आज भिंड पेंशनर्स एसोसिएशन सदस्यों द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बंद हो चुकी रोडवेज सेवा, सहकारिता विभाग सहित अन्य राज्यों के कई विभागों से रिटायर हुए कर्मचारियों को शासन द्वारा बेहद कम पेंशन दी जा रही है। मध्य प्रदेश में रोडवेज और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को वर्तमान में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। इतनी कम राशि में रिटायर कर्मचारियों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। आज अपनी पेंशन राशि बढ़ाए जाने को लेकर जिला पेंशनर एसोसिएशन द्वारा खंडा रोड पर अर्धनग्न होकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने मांगे जल्दी पूरी न होने पर इच्छा मृत्यु की बात कही। ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं पेंशनर्स जिनको पेंशन के नाम पर 200, 500, 1000, 2000 रुपए मिलती है, और इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको के रोडवेज के कर्मचारियों को तो 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है, और ऐसे लोगों को पेंशन बढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने अभी दिल्ली में जाकर के आंदोलन किया। पूरे देश के 65 लाख लोगों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और राज्य सरकार को चेताने का, केंद्र सरकार को चेताने का काम किया। श्रम मंत्री ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भिंड सांसद भागीरथ प्रसाद को हमारे स्थल पर भेजा, अनशन स्थल पर, और उन्होंने आकर आश्वासन दिया कि हम आपको 7,500 रुपए पेंशन प्लस महंगाई भत्ता देने का काम करेंगे, जो कि इन पेंशनरों को, पति पत्नी को कम से कम जीवन के गुजारे के लिए एक पर्याप्त राशि है, वो राशि हम देने का काम करेंगे। इन्होंने 15 दिसंबर का समय दिया था और 15 दिसंबर तक, उन्होंने, आज 31 दिसंबर हो रहा है, इन्होंने हमारी मांगों के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया है। इस वजह से हम सभी लोगों ने, पेंशनरों ने मजबूर होकर के आज अनशन पर बैठने का काम किया है। ही आज SBI ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचे एक युवक ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे डाला। आरोपी युवक कियोस्क सेंटर पर पैसे निकालने आया था। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में संचालित SBI कियोस्क सेंटर पर शाम 5:30 बजे के करीब आरोपी युवक पहुंचा और अपने खाते से पैसे निकालने की बात कही। यहीं कियोस्क संचालक ने युवक का फिंगरप्रिंट मैच ना होने की बात कही तो आरोपी युवक तैश में आ गया, जिसके बाद आरोपी ने केंद्र में तोड़फोड़ की व लूट की वारदात को अंजाम देते हुए मौके से पैसे लूटने की वारदात को अंजाम दे डाला। मामले की जानकारी मिलने पर थाना कोतवाली मौके पर पहुंची। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए भिंड से अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट।